हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीबी सुमित एकेडमी। आप लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी सीटेट एसटेट सभी एग्जाम के लिए और एसएससी सब। तो हम लोग देखते हैं आज संस्कृत का टैग वर्ड जो है, संस्कृत का टैग वर्ड देखते हैं जो चुटकियों भर में संस्कृत को सुलझाने का बहुत ही बड़ा ताकत रखता है। बिना देर किए हुए आप लोग इस चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीबी सुमित अकेडमी को। चलिए हम लोग जो टैग वर्ड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। अगर ये टैग वर्ड अंत तक देखते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन जो है पेडोलॉजी ऑफ संस्कृत का सोल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होगी। और मेरे साथ लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे जो एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट हुआ है क्लास 6 7 8 के लिए, और आप यहाँ लोगों का मैथ बिहार टीचर और एसटेट एग्जाम के लिए क्लास 9 10 क्लास 6 से लेके 10 तक का आप लोगों का मैथ कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें, ये संस्कृत का हम लोग टैग वर्ड देखने वाले, आज इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलो विद्यार्थी हम लोग देखते हैं, चलिए दोस्तों लोग हम लोग देखते हैं संस्कृत का टैग वर्ड जो चुटकियों भर में सुलझाने का ताकत रखता है संस्कृत की पेडोलॉजी को। ये देखना पॉजिटिव टैग वर्ड, इधर पॉजिटिव टैग वर्ड दिया गया है। तो चलिए ये वाला पहला सीरीज जो है नहीं है, हम लोग दूसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये पहला नहीं, यहाँ ये वाला पहला स्लाइड बना है। ये सभी प्रीवियस ईयर का निचोड़ है जो सभी हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक जो जो एग्जाम हुआ है सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर करके हम लोग टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड बनाए। ये दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड है जो इधर आप लोगों को दिया गया है। और फिर उसके बाद एक स्लाइड दूसरा स्लाइड है जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों टैग वर्ड है। अगर आप लोगों को चलिए ये 2011 से 24 तक लेटेस्ट एकदम हम लोग चुन चुन के रखे, जैसे आप लोगों पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है ज्ञानस्थ ये विद्यालय बहि जीवने सह संबंध स्थापनम। ज्ञानस्थ ये विद्यालय बहि जीवने सह संबंध स्थापनम, ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड है संस्कृत के पेडोलॉजी का। जीवनस्थ विद्यालय बहि जीवनस्य जीवनेन सह संबंध स्थापनम, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। छात्रान सृजनात्मक विकास मतलब क्रिएटिव डेवलपमेंट विद्यार्थी का होना चाहिए, ये देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव टिक मार देना है, मतलब पॉजिटिव टिक मारना है, ये पहले सही होगा, पॉजिटिव टिक बढ़ है, देखते सर सही टिक लगा देना। अवसर प्रदानम, इन विद्यार्थी लोगों को पढ़ाई अवसर प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। भाषा परोचम वातावरणम, यानी भाषा प्रचुर वातावरण में देना चाहिए विद्यार्थी लोग, ये सब पॉजिटिव टेक वर्ड है। मातृभाषा शिक्षण, यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी को मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। बहुभाषिकता, यानी एक क्लास में एक भाषा के लोग नहीं रहते, उसमें बहुत सारे हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू फारसी सभी मातृभाषा बोलने वाले रहते हैं अंगिका, तो सभी भाषा का बहुभाषिकता रहता है, तो वो पॉजिटिव टेक वर्ड में बन। अर्थ बोधनम, यानी जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको अर्थ समझ कर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए। बोधना अध्ययनों तो बोधना अध्ययनोतिकरण, ये भी पॉजिटिव टेक वर्ड के अंतर्गत आता है। प्रोत्साहनम प्रोत्साहन प्रोत्साहनम, ये भी पॉजिटिव टेक वर्ड के अंतर्गत आता है। परस्पर विचारना, परस्पर विचार विमर्श, परस्पर विचार विमर्श, ये जो ये भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर आता है। परस्पर विचार करना चाहिए एक दूसरे से शिक्षित होने के लिए, ग्रुप डिस्कशन भी जो है इम्पोर्टेंट चीज होता है एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए बालक, प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, यानी ये नाम चमस्की का है, नाम चमस्की ने ये दिया था, क्या दिया था, प्रत्येक बालकस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, यानी बालक का जो है भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता जन्मजात से होती है, जन्म लेते के साथ वो भाषा अर्जन करना सीख लेता है, भाषा अर्जन फिर जन्मजात शक्ति होना चाहिए, चमस्की के अनुसार होना चाहिए। देखिए वायगोस्की ने बल दिया, वायगोस्की ने क्या क्या बल दिया, तो सामाजिक संवाद अस्ति, यानी समाज में रह करके संवाद करना चाहिए, सामाजिक भावना अस्ति है, फिर सामाजिक भावनी भाव विनय अस्ति है। फिर वायगोस्की ने क्या बताया था, व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता आएगा तो आपका वाक अंतर क्रिया, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर निवेश, ये सब जो है वायगोस्की का कीवर्ड है, मेन पॉइंट्स है आपका। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है, अब वायुगोत्सुकी के अनुसार अगर आप सब साइंटिस्ट का नाम बोले
अगर आर्ट्स साइंटिस्ट का नाम बोले, जैसे आपका हो गया पियाजी, पियाजी ने क्या बोला था, आयु होना चाहिए, मानसिक स्तर होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, फिर उसके बाद आत्म केंद्रता वाली होना चाहिए, खोज होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ये सब वर्ड आएंगे तो ये पॉजिटिव टेक वर्ड। इन्वेंशन होना चाहिए, जिज्ञासु ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक शब्दावली होना चाहिए, ये सब पियाजी के अनुसार हो गया। स्किनर क्या बोला था, स्किनर ने बोला था कि अनुकूलन होना चाहिए, पुनर्बलन होना चाहिए, प्रतिक्रिया प्रतिवृष्टि होना चाहिए। फिर उसके बाद वाइगस्की के अनुसार आ देते हैं, वाइगस्की ने क्या बोला, वाइगस्की साहब ने बोला था व्यक्तिगत वार्ता होना चाहिए, अंतर ये तो बता ही दिए थे। फिर पियाजी हो गया, कोलबर्ग ने बताए थे नैतिक तर्कना। चलिए अब हम लोग यहाँ से पॉजिटिव टेकवर्ड देखते हैं। स्वाभूनति होना चाहिए, प्रकट नार्थ छात्रान अवसरे प्रदातम, ये जो है पॉजिटिव टेकवर्ड हो गया। पाठ्य रुचि वर्धन होना चाहिए, विभिन्न गतिविधियों के अनुसार एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई, बच्चे को पढ़ाई करवाना चाहिए, सुव्यवस्थित प्रयोग, सुव्यवस्थित प्रयोग के माध्यम से विद्यार्थी को पढ़ाई कराना चाहिए। फिर उसके बाद जो है विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम, विद्यार्थी के अनुसार आवश्यकता अनुसार जो चीज़ का उसको कमी लग रहा है उस चीज वही चीज पढ़ाना चाहिए ताकि उसका बेस पहले मजबूत हो जाए। छात्र स्वान भावना धारण, अपने अनुभव प्रस्तुत करना चाहिए, छात्र स्वानुभाव धारण अपने अनुभव प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब विद्यार्थी को पढ़ाने से पहले, मतलब विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो। अब नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव टेक वर्ड है, इधर नेगेटिव टेक वर्ड है, इधर वाला नेगेटिव टेक वर्ड है लेकिन इधर पॉजिटिव टेक वर्ड है। संस्कृत का टेक वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, स्वाद, स्वपादानुगुणम होना चाहिए, स्वपादानुगुणम होना चाहिए, स्वयं से पढ़ना और अर्थ समझना, मतलब विद्यार्थी को ऐसा लगे कि स्वयं से पढ़ रहे हैं, स्वयं अर्थ समझ रहे हैं, मतलब जब अपने से विद्यार्थी स्वयं पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकाल लेते हैं तो उसको ज्यादा समझ में आता है। अंतः क्रिया होना चाहिए, परस्पर संवाद होना चाहिए, भावना गुणम होना चाहिए, सत्यमेव अभिव्यक्ति कुरियम अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहिए, ज्ञान अर्जनम ज्ञान अर्जन होना चाहिए, प्रश्न समय यानम समस्याधान से प्रयास, ये सब पॉजिटिव टेक वर्ड है। विभिन्न संदर्भेषु, विभिन्न संदर्भेषु आएगा तो ये पॉजिटिव टेक वर्ड आ जाएगा। प्रेरितवा, ये भी पॉजिटिव टेक वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव टेक वर्ड में अंतर क्या। पथ भ्रष्ट नाम, अगर पथ को भ्रष्ट कर देंगे यानी हम लोग जा रहे थे किसी और रास्ते और चल गए किसी और रास्ते, तो ये तो पथ भ्रष्ट नाम हो गया, ये नेगेटिव टेक वर्ड है। शिक्षक से विश्राम भवति, यानी शिक्षक विश्राम भवति, ये जो पॉजिटिव टेक वर्ड है। शिक्षक केंद्रिता, बालक चाइल्ड सेंट्रेड बोलेगा तो पॉजिटिव टेक वर्ड होगा, लेकिन शिक्षक विश्राम से भवति बोल दिया ये तो नेगेटिव टेक वर्ड है। केवलम ही एवं, ये सब पॉजिटिव टेक नेगेटिव टेक वर्ड है। केवलम ही रहेगा, ये सब नेगेटिव टेक वर्ड है। बड़े बड़े ऑप्शन रहता है 2023-2024 एग्जाम में, जो बड़ा बड़ा ऑप्शन देने लगा विद्यार्थी को भ्रमित करने लगा, लेकिन जब से ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना। एवं ही जो ये नेगेटिव टेक वर्ड है, छोटा छोटा है, पता नहीं चलता, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेखन से प्रक्रिया लक्ष्यम, सुंदर हस्ताक्षरम प्रयोग, ये भी नेगेटिव वर्ड है। फिर ये शुद्ध वर्तनीय व्याकरण चो, यानी शुद्ध व्याकरण होना चाहिए, कंठस्थीकरण होना चाहिए, कंठस्थीकरण होना चाहिए, रटनाभ्यास करण, रटनाभ्यास, यानी तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड दिया रहेगा। कंठस्थीकरण यानी रटना नहीं चाहिए और अभ्यास कंठस्थीकरण, कंठ से याद नहीं करना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयास, ये सब जो है निगेटिव के टेक वर्ड है। अगर ये सब ऑप्शन आता है तो उसी को पॉजिटिव बोलेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव वर्ड लगेगा निगेटिव, जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार से आप लोगों को क्वेश्चन टिक करना। तो आप लोगों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीबी सुमित अकेडमी को। इस प्रकार का आपका कंटेंट जो शॉर्ट वीडियो आएगा, आप लोगों का साइंस का पेडोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, साइंस अब मैथ साइंस का पेडोलॉजी हम लोग इस चैनल और संस्कृत हिंदी तो दे दी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। थैंक यू। स्टेट का मैथ भी मिलेगा 9th-10th के लिए और 6th-8th के लिए CTET का मैथ। चलिए, और पेपर 1 पेपर 2 का सोल्यूशन भी करवा जाएगा, इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीबी सुमित अकेडमी। जय जय भारत। थैंक यू।